फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बिना शायद इकोनॉमी चलती नहीं है वो है सेंट्रल बैंक ठीक है सेंट्रल बैंक क्या होता है सेंट्रल बैंक इज द हेड बैंक हेड बैंक को कई बुक्स में लिखा होता है एपेक्स इंस्टीट्यूशन एपेक्स का मतलब ही ही होता है ठीक है तो सेंट्रल बैंक इज अ हेड बैंक ऑफ अ कंट्री किसी भी कंट्री का जो हेड बैंक होता है उसे सेंट्रल बैंक कहते हैं इट कंट्रोल्स एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री ये पूरे के पूरे एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है तो चलिए शुरू करते हैं कैसे कैसे करता है इसके कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ यूएसए में फेडरल रिजर्व सिस्टम है इंडिया में आर सेंट्रल बैंक है ठीक है फेडरल रिजर्व है यूएसए का जो हेड बैंक है जैसे सेंट्रल बैंक है उसे फेडरल रिजर्व कहते हैं और यूके में अगर देखें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड है तो प्रोफेसर सेम्युल्सन है उन्होंने सेंट्रल बैंक को किस तरीके से मतलब एक्सप्लेन किया अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सेम्युल्सन एवरी सेंट्रल बैंक हैज वन फंक्शन हर एक सेंट्रल बैंक का एक मेन फंक्शन है ठीक है और उसके अंदर कई फंक्शन आ जाते हैं इट ऑपरेट्स टू कंट्रोल इकोनमी मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इसने क्या है वन मेन फंक्शन एंड उस फंक्शन में फर्दर क्या आ जाता है कंट्रोल इकॉनमी इकॉनमी को कंट्रोल करना सप्लाई जो मनी की सप्लाई है और क्रेडिट की जो सप्लाई है लोन्स की सप्लाई मतलब उसे कंट्रोल करना किस तरीके से कंट्रोल करेगी इसके फंक्शन में जानते हैं और चलिए फंक्शन शुरू करते हैं फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक सबसे पहले क्या है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स सेंट्रल बैंक की मनोपली होती है वो नोट छापने की और कोई भी गवर्नमेंट जो है वो स्मॉल डिनोमिनेशन का छाप सकती है मगर बड़े नहीं छापती ठीक है तो सेंट्रल बैंक क्या है बैंक ऑफ इशूंग नोट तो सेंट्रल बैंक क्या है मोनोपली इंजॉय करता है मोनोपली राइट ऑफ इशूंग नोट और इट इज ऑल्सो नोन एज बैंक ऑफ इशू क्योंकि इशू तो करता है तो इसका जो दूसरा नाम है वो बैंक ऑफ इशू भी हो सकता है नोट इशूड बाई सल बैंक आर एन अनलिमिटेड लीगल टेंडर अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मैंने मनी के चैप्टर में डिस्कस किया है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब ये कि अगर जो नोट आरबीआई छापती है जो करेंसी छापती है आप किसी को कितनी भी अमाउंट में दे दो वो मना नहीं करेगा फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से एक लाख रुपए लिए और अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब ये है कि चाहे मैं उसे बीस बीस रुपए के नोट करके एक लाख रुपए दूं चाहे मैं पचास पचास रुपए के नोट करके एक लाख दूं वो बंदा मना नहीं कर सकता दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लीगल टेंडर बट ऑन द अदर हैंड जो एक रुपए के सिक्के वगैरह जो गवर्नमेंट यहाँ पे इंडिया में बनाती है अगर मैं एक एक रुपए के सिक्के एक लाख दे दूं तो वो मना कर सकता है दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लीगल टेंडर कि आप किसी को एक लिमिटेड अमाउंट में छोटी डिनोमिनेशन की करेंसी दे सकते हो ये ना हो कि वो गिनता रह जाए और पागल बन जाए इंडिया में ये सिस्टम है कि अनलिमिटेड लीगल टेंडर है जो नोट सेंट्रल बैंक छापेगा वो तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं बैंकर टू द गवर्नमेंट गवर्नमेंट के लिए बैंकर की फैसिलिटी देता है जैसे हमारे लिए आम इंसान के लिए कमर्शियल बैंक होते हैं छोटे मोटे बैंक वैसे गवर्नमेंट के लिए आरबीआई उसका बैंक होता है तो चलिए इसको शुरू करते हैं सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ बैंकर एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्मेंट तो चलिए एज अटेसमेंट गैस एक्सेप्ट करता है एज एन एजेंट इंड सेल सिक्योरिटीज ऑन द बिहावर्मेंट गवर्नमेंट के बिहाब पे सिक्योरिटीज खरीदता भी है और सिक्योरिटीज को भेजता भी है सिक्योरिटीज को कैसे खरीदता है कैसे भेजता है इसको आपको वेट करनी पड़ेगी मॉनिटरी पॉलिसी में जल्द लेके आऊंगा एंड थर्ड पार्ट एज एन एडवाइजर इट फ्रेम द पॉलिसी टू रेगुलेट द मनी मार्केट जो भी मनी मार्केट है उसके लिए पॉलिसीज बनाता है ठीक है मनी मार्केट बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए होता है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए कहा जाता है बट ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए ये रूल्स रेगुलेशन बनाता है तो ये क्या है बेसिकली गवर्नमेंट के लिए बैंकर भी है गवर्नमेंट का एक एजेंट भी है और गवर्नमेंट को एडवाइज करता है कि टाइम टू टाइम फाइनेंशियल सिस्टम के लिए कैसे रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं तो चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं थर्ड पॉइंट में बैंकर्स बैंक bank. मतलब ये बैंकों का बैंक है जैसे हम बैंकों में पैसे जमा करवाते हैं और लोन लेते हैं सिमिलरली ये क्या करते हैं सिमिलरली जो बैंक हैं कमर्शियल बैंक छोटे बैंक वो सेंट्रल बैंक के पास पैसे जमा कराते हैं और सेंट्रल बैंक से पैसे निकलवाते हैं तो उन छोटे बैंकों का बैंक क्या है सेंट्रल बैंक तो चलिए शुरू करते हैं एक तो ये बैंकर्स बैंक है और दूसरा सुपरवाइजरी रोल तो सबसे पहले इट ऑफर्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम देम तो सबसे पहले द रेट ये इंपॉर्टेंट चीज है मैं मार्क कर रहा हूं इंपॉर्टेंट द रेट एट विच सेंट्रल बैंक करता है ठीक है एंड द रेट एट विच कमर्शियल बैंक पार्क दे आर सरप्लस कमर्शियल बैंक के पास जितने भी सरप्लस फंड होते हैं वो वो आरबीआई में या सेंट्रल बैंक में जमा कराता है उस, उसको जो भी उस पैसे पे जो उसने सेविंग्स किए हैं है, सेंट्रल बैंक के अंदर उसको जो भी रिटर्न मिलते हैं उसके जो रेट मिलता है अपने पैसे सेंट्रल बैंक में पार्क करने के लिए उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट तो आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को चेंज करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करती है कैसे करती है वो मॉनेटरी पॉलिसी के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट एज अ सुपरवाइजर एज अ सुपरवाइजर सेंट्रल बैंक एंश्योर्स दैट कमर्शियल बैंक फॉलो डायरेक्शन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी तो एज ए सुपरवाइजर जो सेंट्रल बैंक है वो मॉनिटरी पॉलिसी बनाता है और वो मेक श्योर sure करता है कि भाई सारे के सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और कमर्शियल बैंक है जितने भी बोथ बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन उसके जो रूल्स रेगुलशन है वो फॉलो करें अच्छे तरीके से तो इसलिए उनका सुपरवाइजर होता है लैंडर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट लैंडर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का मतलब है की अगर कोई भी बैंक अगर कोई पंगा डाल रहा है अगर कोई भी बैंक पंगा डाल रहा है और वो मान लो कंगाल हो गया या उसके पास पैसे नहीं बचे तो वो क्या कर सकता है वो सेंट्रल बैंक उसको लोन्स इशू कर सकता है इन केस उसको लॉसेस हो रहे हैं चलिए मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ क्रिएट क्रेडिट कमर्शियल बैंक्स लोन्स क्रिएट करते हैं कमर्शियल बैंक्स जब लोन्स क्रिएट करते हैं तो मेनी मोर टाइम्स देन देयर डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक के पास इतने डिपॉजिट्स नहीं होते जितने वो लोन दे देते हैं लोगों को मतलब लिए दस रुपए लोन दे दिया सौ रुपए का क्योंकि डिजिटल मनी होता है ना ये मैं क्रेडिट क्रिएशन में नेक्स्ट टॉपिक में आपको अच्छे से डिस्कस करूंगा कि कमर्शियल बैंक्स के पास जितना भी पैसा आता है वो ज्यादातर उससे कई गुना ज्यादा लोन्स दे देता है बट व्हेन डिपॉजिट स्टार्ट फेयरिंग दैट बैंक में रन आउट ऑफ इट्स कैश रिजर्व अगर कोई खबर आ जाए बैंक के बारे में कि बैंक ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया अब सेंट्रल बैंक इस पे कोई पाबंदी लगा सकता है या कुछ कर सकता है तो लोगों के मन में डर हो जाता है कि हमारा पैसा फंस ना जाए इंडिया में इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है कई गवर्नमेंट बैंक है और यस बैंक कह लो और भी कई बैंक है जिसमें मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ठीक है तो उस केस में दे स्टार्ट विद देयर डिपोजिट बियॉन्ड वट द बैंक कैन अफोर्ड एट अ टाइम तो वो करते क्या है एट अ टाइम बैंक के पास जितने भी पैसे हैं उनको निकलवाना शुरू कर देते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि बैंक तो बंद ही हो जाएगा पता नहीं सेंट्रल बैंक इस पे कोई पाबंदी ना लगा दे क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस नहीं फॉलो कर रहा वगैरह वगैरह उसके बारे में कोई नेगेटिव खबर आ गई तो मैं उस बैंक में से अपने सारे के सारे पैसे निकलवाने की कोशिश करूंगा जैसे मैं निकलवाने की कोशिश करूंगा वैसे कई लोग और ज्यादा आएंगे और बैंक से पैसा निकलवाएंगे जिन जिनके पैसे फंसे हुए इसमें कई बैंक आ जाते हैं महाराष्ट्र में कई बैंक है जिनमें काफी ज्यादा फ्रॉड फ्रूड के केसेस हुए तो लोग जब निकलवाना शुरू कर देते हैं तो बैंक की जेब में तो कुछ रहेगा ही नहीं क्योंकि बैंक ने तो सारा लोन दिया हुआ है ठीक है ना इस तरीके से पॉलिटिक्स पौ जो है फ्रॉड करते हैं वो कैसे अगर आप कहोगे तो मैं इस पे अलग से वीडियोस बना दूंगा तो होता क्या है ज्यादा से ज्यादा लोग बैंक की नेगेटिव खबर सुनते ही लोन्स का जो अमाउंट है वो तो कई गुना होता है और जो उनके डिपॉजिट्स डिपॉजिट्स होते होते हैं हैं वो कई गुना कम होते हैं। तो अपने निकलवाना शुरू कर देते हैं और जब निकलवाते हैं तो 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 बैंक बैंक कंगाल हो गया के पास तो पहले कुछ नहीं उसने तो सारा लोन दिया हुआ है इन सच सिचुएशन सेंट्रल बैंक ऑफर्स लोन टू कमर्शियल बैंक टू कोप विद द क्राइसिस ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्योंकि लोगों के बीच में क्या है कॉन्फिडेंस नहीं है तो इस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए सेंट्रल बैंक जो इंडिया में आरबीआई है बाहर फेडरल रिजर्व है यूएसए में तो वो कमर्शियल बैंक्स को लोन्स प्रोवाइड कर देता है ताकि तुम ये लो शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले लो मेरे से कोई चक्कर नहीं तुम लोगों का पैसे जितने भी निकलवाते हैं देते रहो ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे ठीक है नेक्स्ट आ जाता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का ये कस्टोडियन होता है इट एक्सरसाइज मैनेज फ्लोटिंग मैनेज फ्लोटिंग का मतलब ये है कि एक्सचेंज रेट को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर एक लिमिटेड रेंज में मतलब एक लिमिटेड रेंज में ऊपर नीचे करने के लिए आरबीआई क्या करती है जब भी एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है या गिर जाता है तो फॉरेन करेंसी जो उसके पास पड़ी है डॉलर्स उसको सेल करना शुरू कर देती है या बाय बैक कर लेती है मान लो डॉलर बहुत महंगा हो गया ठीक है तो हम क्या करेंगे हम नहीं मतलब सेंट्रल बैंक क्या करेगा सेंट्रल बैंक डॉलर को बेच देगा मार्केट में जैसे ही बेचेगा सप्लाई बढ़ जाएगी उसका रेट थोड़ा नीचे गिर जाएगा और अगर कुछ ज्यादा गिर गया वो भी नुकसान में ठीक है अगर कुछ ज्यादा ही गिर जाता है तो वो भी नुकसान हो सकता है तो जब ज्यादा गिर जाता है मतलब डॉलर का रेट काफी गिर गया तो बाय कर लेगी जिससे डिमांड आ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी तो फिर प्राइजेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो मतलब लोअर लिमिट पे आता है तो वो बाय करना शुरू कर देते हैं हायर लिमिट पे आता है तो सेल करना शुरू कर देते हैं और डॉलर के रेट को एक विद इन द लिमिटेड रेंज जो कि सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है उसी के बीच में घुमाते रहते हैं तो इट एक्सरसाइज इज मैनेज फ्लोटिंग टू एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट इंटरनेशनल मनी मार्केट में डॉलर का या फॉरेक्स जो फॉरेन करेंसी है उसका रेट एक लिमिटेड रेंज में चलता रहे उसी के लिए मैनेज फ्लोटिंग की जाती है मैनेज फ्लोटिंग रेफर्स टू द सेल एंड एंडेज इट रेफर्स टू द सेल एंड एंडेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद व्यू टू अचीव द स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट तो मेन मकसद क्या होता है कि एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे ये ना हो कुछ ज्यादा उथल पुथल हर रोज ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहे जिससे हमारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंड मूवमेंट ऑफ जो फॉरन कैपिटल है वो कम हो जाए ठीक है नेक्स्ट आ जाता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्लियरिंग हाउस फंक्शन बहुत आसान है फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी बच्चे ने फीस दी एक चेक दे दिया कि ये लो सर ये आपकी फीस मैंने ले ली मैंने उसे अपने बैंक में जमा करा दी अब मेरे बैंक ने उसके बैंक से पैसे लेने अगर तो दोनों सेम बैंक है उसका भी सेम अकाउंट सेम बैंक में अकाउंट है मेरा भी फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है मगर उसका बैंक किसी और अकाउंट में, में अ, मतलब उसका अकाउंट किसी और बैंक में और मेरा अकाउंट किसी और बैंक में तो मैंने उस बैंक का चेक अपने बैंक में जमा करवा दिया अब मेरे बैंक ने क्या करना है उसके बैंक से पैसे लेने हैं ना तो ये आरबीआई क्या करता है आरबीआई के पास जितने भी पैसे उन बैंक्स के पड़े हुए हैं जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं उसी में से लेन देन करके क्लियर करा देता है उसे क्लियरिंग हाउस फंक्शन कहते हैं इस वजह से बैंकों को आपस में कैश में लेन देन नहीं करना पड़ता और उनका काम आसान हो जाता है फॉर एग्जाम्पल वन बैंक रिसीव अ चेक ऑफ सम अमाउंट ड्रॉन फ्रॉम अनदर बैंक ठीक है तो ऑफ बोथ बैंक आर क्लियर थ्रू देयर अकाउंट्स विद सेंट्रल बैंक तो सेंट्रल बैंक के पास जो उनका अकाउंट है सेंट्रल बैंक के पास जो उनकी जो वो पड़ी हुई है क्या कहते हैं हाँ, क्या कहते हैं दोनों के जो कुछ पैसे पड़े हुए हैं जो कैश जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास सेंट्रल uh, बैंक के पास जमा कराते हैं तो जितने भी पैसे पड़े हुए हैं उनमें में से ही रफा दफा कर देता है जो भी हिसाब किताब है लेन देन है उसी में से कर देता है ताकि बैंकों को आपस में कैश में ट्रांजेक्शन नहीं करनी पड़े इट अवॉइड ट्रांसफर ऑफ कैश बिटवीन द बैंक एंड रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ कैश इससे कैश की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और आपस में बैंकों का कोई पंगा भी नहीं पड़ता नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट इट डील्स विद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन एन बाय रेगुलेटिंग क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ऑफ कमर्शियल तो बेसिकली आरबीआई या सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का क्या करता है रेगुलेट करने की कोशिश करता है कंट्रोल करने की कोशिश करता है क्रेडिट को क्रेडिट बेसिकली क्या होते हैं लोन्स अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं फॉर एग्जांपल मार्केट में आया हुआ डिप्रेशन डिप्रेशन जब आता है तो इकॉनमी नीचे चली जाती है और जब इकॉनॉमी नीचे जाती है तो डिमांड भी नीचे चली जाती है क्योंकि जॉब लॉसेज हो रहे होते हैं और इकोनॉमी में पैसा नहीं होता डेफिशिएंट डिमांड होती है डिमांड की भी कमी होती है मार्केट में सामान नहीं बिकता इस केसेस में सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट फोर्स करते हैं गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक को कहती है और सेंट्रल बैंक फोर्स करती है कमर्शियल बैंक को कि चीपर लोन्स दिए जाए सस्ते रेटों पर लोन दिए जाए जितना सस्ते रेटों पर लोन दिए जाएंगे उतना लोग और प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स वो एनकरेज फील करेंगे ठीक है प्रोड्यूसर्स कहेंगे चलो हम ये मशीन ले लेते हैं जमीन ले लेते हैं यहाँ पे काम शुरू कर देंगे उससे भी प्रोडक्शन एक्टिविटी चलेगी और काम मिलेगा जॉब्स क्रिएट होंगी दूसरी तरफ कंज्यूमर्स को लोन सस्ते में देते हैं तो वो डिमांड क्रिएट होगी जब डिमांड क्रिएट होगी मार्केट में तो प्रोड्यूसर तो खुद ब खुद बनाई लेगा तो इसीलिए वो सस्ते रेटो पे लोन देते हैं ताकि लोन एनकरेज हों ठीक है अगर मार्केट में मंदी चल रही है तो मंदी मतलब डिप्रेशन चल रहा है या रिसेशन चल रहा है ठीक है ऑन द अदर हैंड अगर मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है और प्राइजेस आसमान को छू रहे हैं इसका मतलब यह है कि लोन्स और मनी सप्लाई काफी हाई है डिमांड काफी हाई है उस केस में सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री जो कमर्शियल बैंक को आ, कहेगा कि भाई तुम लोन्स देना कम कर दो कोई भी बंदा आता है तो उसे लोन्स के लिए टरका दो कह दो ये नहीं है वो नहीं है ऐसा नहीं है वैसा नहीं है तो आपने कभी कभी देखा होगा कि कभी कभी आपको बैंक्स फोन कर करके कहते हैं लोन ले लो लोन ले लो लोन ले लो आपको चाहिए नहीं होता आपके पीछे पड़ जाते हैं और कभी कभी जब आपको चाहिए होता है आप बैंकों के चक्कर लगाते रहते हैं बैंक आपको लोन ही नहीं देते ठीक है कोई ना कोई बहाना मार के टरकाते रहते हैं तो कहने की बात यह है कि सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज होती हैं कि कंट्रोल कैसे करना है सप्लाई ऑफ क्रेडिट को या सप्लाई ऑफ लोन को टू कोप अप विद द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब प्राइजेस काफी हाई होते हैं ड्यू टू हाई मनी सप्लाई और डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइजेस लो चले जाते हैं ड्यू टू लो मनी सप्लाई तो ये इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को सोल्व uh, करने के लिए गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है और फिस्कल पॉलिसी की भी हेल्प लेते हैं तो आरबीआई भी कंट्रीब्यूट करती है लोन्स को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना कैसे वो मैं आपको मॉनिटरी पॉलिसी में बताऊंगा हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंसेस हैं सेंट्रल बैंक कंट्री का हेड बैंक होता है और कमर्शियल बैंक हेड बैंक नहीं होता वो छोटा बैंक होता है बट इनमें डिफरेंसेस क्या हैं चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट डिफरेंसेस सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स एपेक्स ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जितने भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उसका एपेक्स है एपेक्स का मतलब होता है ठीक है थेके? तो कमर्शियल बैंक है इट इज नॉट एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन कमर्शियल बैंक हेड बैंक थोड़े ना होते हैं वो तो सेंट्रल बैंक के नीचे काम करते हैं ठीक है नंबर टू बैंकर टू ऑल कमर्शियल बैंक ये सारे कमर्शियल बैंक का बैंक है सेंट्रल बैंक क्या होता है सारे कमर्शियल बैंक का बैंक होता है और कमर्शियल बैंक क्या होता है है बैंकर टू जनरल पब्लिक आम इंसान मेरे जैसे आपके जैसे आपके लोगों का जो अकाउंट खुलता है, वो किस में खुलता है कमर्शियल बैंक में तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक का बैंक होता है और कमर्शियल बैंक हमारा बैंक होता है तीसरा फर्क जो थर्ड डिफरेंस है सेंट्रल बैंक रेगुलेट द मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है किसके थ्रू मोनिटरी पॉलिसी के थ्रू बट कमर्शियल बैंक क्या करता है कॉन्ट्रीब्यूट करता है मनी सप्लाई को कमर्शियल बैंक क्या कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब लोन्स दे दे के मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करता है मगर दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक अगर ज्यादा मनी सप्लाई है उसको कम करने की कोशिश करेगा थ्रू मॉनिटरी पॉलिसी और अगर कम मनी सप्लाई है उसको ज्यादा करने की कोशिश करेगा ठीक है तो नेक्स्ट

ये किसके होते हैं गवर्नमेंट के होते हैं बट कमर्शियल बैंक किसके होते हैं वो गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं और प्राइवेट के भी हो सकते हैं तो कमर्शियल बैंक कैन बी ओन्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर बट द सेंट्रल बैंक इज ऑलवेज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ठीक है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं

जो गैप है बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इट इज कॉल्ड नेट इंटरेस्ट मार्जिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन और जो नेट नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है वो ही इनका प्रॉफिट होता है ठीक है आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी